हाँ, तो आज का जो हम लोग डैशबोर्ड का जो टॉपिक है, डैशबोर्ड में हम लोग दो चीजें आज करने वाले लिस्ट में, जिसमें ओएल और यूएल यानी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, दो चीजें हम कवर करेंगे, जिसके साथ आपका सीएसएस भी रहेगा, यानी व्यवस्थित करने के लिए सीएसएस भी देखेंगे, और दूसरा टेबल टैग जिसमें सारे कंटेंट्स और कंटेंट्स के साथ हम क्या करेंगे प्लस सीएसएस भी करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे सीएसएस के द्वारा इसको व्यवस्थित करना भी सीखेंगे। तो आज के दिन हम लोग ये दो टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक आपका जो आपका ऑर्डर लिस्ट का टॉपिक है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। तो ओएल के द्वारा हमने क्या ऑर्डर लिस्ट बनाया और एलआईसी फाइनेंस को जोड़ा, और साथ में यहाँ पे हमें ऑर्डर लिस्ट की वर्किंग की बात रहता है, तो अगर हमें रोमन नंबर चाहिए या हमें अगर इंग्लिश अल्फाबेट चाहिए, तो उसका स्टार्टिंग वैल्यू आप जब प्राइस के साथ देते हैं तो एलआई के साथ ऑटोमेटिक वो वैल्यू जुड़ जाती है। जैसे अगर मैंने हाई दिया तो यहाँ पे आपका रोमन वन, रोमन टू और रोमन थ्री आपके क्या होगा शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीएसएस वाला पोर्शन हम उसको देख रहे हैं, तो ये चार सीएसएस हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम पहले सीएसएस बनाएंगे किसका, ओएल का बनाएंगे कि यूएल का बनाएंगे, ओएल का बनाएंगे कि एलआई का बनाएंगे, ओएल का सीएसएस। भाई देखो सेंट्रल टैग हो जो सेंट्रल टैग को एलआई उसके अंदर काम कर रहा है, तो हम ये बनाएंगे सीएसएस ओएल का, और फिर क्या करेंगे फिर रिस्पॉन्स करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है एरियल, एरियल के लिए क्या लिखूंगा फॉन्ट डैश फैमिली, वेरी गुड। और साथ में क्या करेंगे कोलन लगा के हम क्या लिख देंगे एरियल लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्या करेंगे 24 पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फॉन्ट डैश साइज, यही होगा ना 24 पॉइंट और सेमी कोलन। रेड के लिए क्या करूं कलर, वेरी गुड कलर रेड। और बोल्ड के लिए क्या करूं फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट बोल्ड के लिए हम क्या लिखेंगे हमने यहाँ पे लिखा फॉन्ट डैश वेट, और इसको हमने क्या कर दिया बोल्ड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे इस बेस को बंद करेंगे, और बेस को बंद करने के बाद हमने किसको बंद किया स्टाइल को बंद किया, और उसके बाद हेड को बंद किया, और यहाँ पे बॉडी स्टार्ट और बॉडी में आपको ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। तो आप क्या करें इसका सीएसएस ये वाला लिख डालें,